जांजगीर जिला से लापता हुए 2.5 साल के आयुष का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। 3 दिन से पुलिस उसकी तलाश में नहर की खाक छान रही थी। अब किडनैपिंग के एंगल से भी उसकी तलाशी शुरू की गई है। हालांकि आयुष को लेकर कोई फिरौती कॉल नहीं आया है। इस बीच उसका पता बताने वाले को 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। जिला के मालखरौदा क्षेत्र के बड़े सिपत गांव निवासी किसान अक्षय साहू का 2.5 साल का बेटा आयुष मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे रोज की तरह घर से बाहर खेलने के लिए निकला था। इसके बाद अचानक लापता हो गया। आसपास के लोगों ने पहले ही अगवा किए जाने की आशंका जताई थी। फिर की एक छोटी बच्ची ने भी बाइक सवार 2 लोगों को आयुष को ले जाने की बात कही थी। इस मामले में जहां परिजन खुलकर कुछ बता नहीं रहे हैं, वहीं पुलिस का भी फोकस एक्सीडेंटल एंगल पर था। आशंका थी कि बच्चा घर के पीछे बनने वाली नहर में गिर गया होगा, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में पुलिस ने अब किडनैपिंग के एंगल पर काम करना शुरू किया है। वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि बच्चे को तलाश करने में सहयोग करें। जांजगीर SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया है कि हम किडनैपिंग के एंगल से भी बच्चे को तलाश रहे हैं। बच्चे के बारे में सूचना देने या पहुंचाए जाने वाले को 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसमें 5,000 रुपए पुलिस अधीक्षक और 10,000 रुपए सिपत गांव के सरपंच की ओर से प्रदान किया जाएगा। फिलहाल CCTV फुटेज के साथ ही बच्चे की तलाश में साइबर सेल की भी मदद दी जा रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।